मैं चुड़ैल हूँ ना वो जो गई और मैं चुड़ैल हूँ आप साक्षात देवी है तब अच्छा इतना सब महाराज बाबू बिहा कर ले छौ ए लक्ष्मी धोन उधिया रहल छे अरे महाराज को आवाज दो और उसे कहो जी कि महारानी जी मिलने के लिए तड़प रही है अच्छा कोई बात आवाज लगा रहे हैं लगाओ आवाज यहाँ लागे छे पूर्व भोग पसीना छोड़े थे की हो ए महाराज महाराज हो आइए इस सीन को कदर करते हुए तो तुम इस समय किस लिए आवाज लगाया महाराज हाँ इस समय मिलिए पहले महारानी जी से छोटी महारानी से हाँ पचवारी पानी घेरी ले पानी घेर लिया तो अब तोरा डेंगिया खेबल पड़ता पागल हो गया है महारानी जी से मिलिए ना तुम पीछे हट जाओ महारानी जी छोटी महारानी किस लिए तुम आवाज लगवाई प्रणाम स्वामी जी खुश रहो महारानी हराम हराम खोर कही का वो मेरी महारानी है मुझे प्रणाम किया आशीर्वाद देना मेरा काम है आपका काम है तुम काहे दिया तो उन्हें ताकर रोको बुलवा दो थोड़ा सा लेट हो गया बोलने में चाम खींच लूंगा हेलो महामंत्री स्वामी जी सब बात को छोड़िए अच्छा और ये लोग बहुत परेशान है पीछे में अब इसकी क्या मजबूरी है ये लोग तो यही जानेगा मजबूरी उससे हम बाद में पहले इधर मेरा बात सुनो स्वामी जी ये बताइए जब से आप मुझे शादी करके महल में लाए हैं तो आप मुझसे दूर क्यों रहते हैं अरे अलग से बात नहीं हो सके गर्मी कितना है मालूम नहीं चल रहा है अच्छा तो आप चले चले सुनो हट जाओ पीछे महारानी स्वामी हमारी शादी के ना जाने आज कई दिन हो गया मैं जो तुम्हारे पास नहीं जा रहा हूँ सोने के लिए इसका बजट तुम जाने के लिए चाहती हो इसका क्या वजह हो सकता है इसका वजह है जिस दिन तुम बड़ी महारानी को वनवास की उसी दिन अपने मन में प्रतिज्ञा कर लिए कि जब तक हम जंगल से शिकार खेलकर नहीं आएंगे तब तक छोटी महारानी के साथ सुहाग रात नहीं मनाएंगे मैं छोटी महारानी सिंह जी के साथ नहीं मनाएंगे महामंत्री छोटी महारानी के साथ जब तक हम जंगल से शिकार खेलकर नहीं आएंगे हाँ तब तक उनके साथ सुहाग रात नहीं मनाएंगे अगर मैं एकरा साथ नहीं मनेबो नहीं मनाएंगे तब हमरा साथ मनेबो जाओ यहाँ से इसलिए वो सब बात को छोड़िए और चलिए पहले सुहाग रात अरे नहीं महारानी खट्टा मौका लग रहा इसके लिए मेरे पास आज 5 मिनट का भी समय नहीं है अगर आपके पास समय नहीं है महारानी जी को यहाँ से ले जाइए कहाँ ले जाइए नारवा वाला पुलवा पे अच्छा पुलवा के नीचे महारानी जी को अनहरिये में टिप दीजिए हराम खोर कही वादा न तो
तुम लाख जीत करेगी लेकिन मैं तुम्हारा कहना नहीं मानूंगा। तो आप जंगल जाएंगे शिकार खेलने के लिए? आज मैं जंगल जा रहा हूँ, शाम होने से पहले जंगल से शिकार खेल के लौट आऊंगा, उसके बाद तुम्हारे साथ सुहागरात मनाऊंगा। ठीक है स्वामी जी, अगर ये आपका इच्छा है कि पहले मैं जंगल जाऊंगा शिकार खेलने के लिए, तो आप जाइए जंगल शिकार खेलने के लिए, लेकिन बहुत जल्द वापस लौट आइएगा। हे स्वामी जाओ, मैं महल में आपका इंतजार करूंगा। जय महारानी जा। चलती हूँ बाबा स्वामी। ओके। अरे मिस कहीं छूट गया तो बताओ क्या? आपके लिए हथियार देखिए। पागल हो गया है? पागल नहीं है, ये हथियार नहीं है बच्चों बच्चों का, समझा? इससे खेलने में तेल निकल जाता है। अच्छा अच्छा बेटा, तूने मेरा शस्त्र महल से ले आया। जी जी महाराज। जाओ महल में, तुम महारानी के ऊपर ख्याल रखना, उसका तबीयत देख रहे कुछ अभी गड़बड़ चल रहा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो? हम आएंगे जंगल से तो उसे ठीक करें। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है जाओ। जी प्रणाम। इधर सुनो, रवि राठौर को बोल दो, दो चार को रिकॉर्डिंग होगा। मास्टर साहब चाय पिए। जी जी क्या महाराज, हम जय श्याम बाबू। प्रणाम बाबू। डबल प्रणाम। प्रणाम या प्रणाम। अरे खुश रहो। बराबर प्रणाम। आप लोगों को क्या बताऊं, जिस दिन से बड़ी महारानी वनवास हुए हैं, इस महल में मुझे एक पल दिन नहीं लगता है। बड़ी महारानी की याद नहीं तो मुझे चैन से सोने देते हैं, नहीं तो इस महल में चैन से भोजन किए देते हैं। आज जो मैं जंगल जा रहा हूं शिकार खेलने के लिए, जंगल में शिकार खेलेंगे, शिकार के पीछे भागेंगे दौड़ेंगे, हो सके तो बड़ी महारानी की याद अपने दिल से बाहर निकाल। आप लोग जुड़े रहे हमारे YouTube के माध्यम से, हम विकास प्रेमी आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं जंगल जा रहा हूं शिकार खेलने के लिए। दिल्ली ना ले।